जैन साथियों, मैं कैप्टन आजाद इलाहाबाद से, आज हमारे साथ उनके ही घर पे मैं बैठा हूँ जो एक्स सर्विसमैन धर्मगुरु हमारे पंडार मेजर नरोत्तम त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक धर्मगुरु हैं। तो एक धर्मगुरु हो नाते मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये हैं आर्मी में एसी बटालियन में थे, आर्मी सप्लाई कोर जिसमें ये थे, उनसे मैं इनसे पूछूंगा कि वन रैंक वन पेंशन के बारे में जो चल रहा है, एक धार्मिक गुरु है, इनके पूरे जवान पैर छूते हैं, ये इनको हर एक अपना मतलब कि महत्वपूर्ण समझते हैं। इनसे मैं पूछूंगा कि भाई सर, आप ये बताइए साहब जी कि जो वन रैंक वन पेंशन हुआ है तो उसमें आपको कैसा लग रहा, उसके बारे में बताइए। आप पहले अपने बारे में बताइए। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया आजाद जी। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, मेरा नाम नरोत्तम त्रिपाठी है और मैं सुबेदार मेजर आर्मी लेफ्टिनेंट से सेना से 29 साल 6 महीने सर्विस करने के बाद एएससी कोर्स में रिटायर्ड हुआ हूँ। अंतिम मिनट मेरी 5231 एससी यूनिट हमारी रही और प्रेजेंट में मैं यहाँ पर AWHO आर्मी कॉलोनी जिसको कहते हैं उसका मैं अध्यक्ष हूँ, जहाँ 144 यानी 144 फ्लैट हैं। वन रैंक वन पेंशन की जहाँ तक ये बात है, इसमें विसंगतियाँ बहुत हैं, क्योंकि अफसर को 2.5 गुना दिया जा रहा है और वहीं पर जवान जैसे उसको 2.5 गुना दिया जा रहा है, जिसे 2.57 में है और उनका 2.82 है। तो ये विसंगतियाँ तो दूर करनी पड़ेगी। अगर ये विसंगतियाँ दूर नहीं की जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा बैमेनस फैल रहा है और इससे हमारे सैनिक बहुत क्रोधित हैं। यद्यपि वो हमेशा डिसिप्लिन में रहे हैं, आज भी वो अनुशासन में हैं और हमेशा सेना में जो धर्मगुरु होता है, यद्यपि हम अपने अफसर के आदेशानुसार अपने जवानों को प्रेरणा देते रहते हैं, लड़ाई के दौरान में शरीर बल तो काम आता ही है, लेकिन उस शरीर बल के साथ साथ उसको आत्मिक बल वो सेना के धर्मगुरु के द्वारा ही मिलता है। यद्यपि हमारे ऑफिसर अधिकारीगण जो होते हैं उनका मानसिक बल बढ़ाते हैं और हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनका शारीरिक बल अच्छी ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ाते हैं, लेकिन उनके अंदर बुद्धि बल और आत्मबल ये केवल सेना का धर्मगुरु ही करता है। ये चारों चीजें जब उनके पास होती है, शरीर का बल, मन का बल, बुद्धि का बल और आत्मा का बल, जब ये चारों चीज उनके साथ होती है, तब जाकर के वो देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने में सफल रहते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, अपने गुरु नानक जी की वाणी भी है कि जननी जड़ा तो भक्त जड़, कई दाता कई सूर, नाहित रहिए बांझड़ी मति गमाजे नूर। माता का पुत्र ब्याना तभी सार्थक होता है जब वह या तो देश के काम आए या तो भगवान के काम आए। तो हम सब तो वीर सैनिक हैं आज, इसलिए हम लोग वीर कहलाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद भी जितना हो सकता है, आवश्यकता पड़ने पर आज भी हम अपने आप को देश के काम के लिए तत्पर हमेशा रखते हैं, आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये विसंगतियां जो है, इसको तो सरकार को ही दूर करना पड़ेगा। हम तो सरकार के पास अपनी मांगे रखे हैं, लोग जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम प्रयागराज की धरती से, इस पावन धरती से, पवित्र धरती से, हम लोगों ने अपने डिसिप्लिन के को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कहते हैं, सारे सैनिक यहाँ इकट्ठा होकर के डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है और उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांग को पूरी करेगी, इसमें लेस वास संदेह नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी हमारे सैनिकों के साथ अनदेखा नहीं करी है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया और ये सरकार भी नहीं करेगी। मैंने, सर मैंने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जाके सैनिकों से, होली है, दीपावली है, कोई भी ऐसा होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो इतना जब हमदर्दी जता रहे हैं तो इसमें हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, इनमें भी तो जताना चाहिए। एक्चुअल में जहाँ तक मुझे लग रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं देश के बॉर्डर पर जाते हैं और सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और वो इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कि ये जो सैनिकों की मांग है उन तक न पहुंची हो या उन्हें जैसा गाइड किया गया होगा उस तरह से उन्होंने उसको माना होगा। उम्मीद है जब ये हम लोगों के पत्र जाएंगे उनके पास तक पहुंचेंगे तो निश्चित है इसमें सुधार होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों के साथ
बिल्कुल अन्याय नहीं करेंगे। और आशा ही नहीं, मैं उनके साथ विश्वास साथ आपको आजाद जी दिलाना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल एक मांग अवश्य पूरी होगी और इस पर विचार विमर्श चल भी रहा है। अभी हमारे चैनल से आपको पूरा ऑल इंडिया देख रहा है। एक लास्ट बता दीजिए कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लास्ट में आग्रह कार्रवाई क्या होगा? देखिए, न मानने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, चूंकि आपने ऐसा प्रश्न किया क्योंकि हम लोग फौजी हैं, हम सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ तो हम नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि हम एक जिन जीवन भर हमने अनुशासन का पाठ पढ़ा हो, तो ऐसी स्थिति में रिटायर्ड होने के बाद का मतलब नहीं हो जाता कि हम अपनी अनुशासनहीनता छोड़ दें, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम अपने देश को महान बनाने में लगे हैं और देश को महान बनाने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। हमारे देश का नाम हो चुका, मैं सेना का धर्मगुरु रहा हूँ, तो एक धर्मगुरु होने के नाते मैं भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि सरकार को इस पर ध्यान दे और सरकार को सद्बुद्धि आए ताकि हमारे किसी सैनिक भाई के साथ अन्याय न होने पाए। इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ आपको पूछना है तो पूछिए, हम आपको आगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए बात यहीं खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। जय हिंद।